नमस्कार जी। हाँ किसान भाई, हम बात करेंगे आज 29 अक्टूबर 2021 राजस्थान की सभी अनाज मंडियों के ताज़ा भाव के बारे में बात करेंगे। आज राजस्थान की अनाज मंडियों का किस प्रकार रहा भाव, तो सबसे पहले बात करें नोखा मंडी, तो मूंग का भाव रहा 6850 और किसान भाई मोट का भाव रहा 7025 रुपये। गंवार बिका 6550, मेथी बिके 7100, चना बिका 4700 रुपये, इसबगुल का भाव रहा 13300, जीरा बिका है 13000 रुपये और तिल का भावरा 9300, गेहूँ बिका 2030 रुपये। साथ ही मेरता मंडी की बात करें, गंवार बिका है किसान भाइयों 6500 रुपये, मूंग बिके 6001, मोट का भावरा 6860, मूंगफली का भावरा 5572, चना बिका 4730, इसबगुल का भावरा 12500, चना का भावरा 4730, इसबगुल का भावरा 12500, मेथी बिकी है 7500, सरसों बिकी 6800, उड़द का भावरा 5200, गेहूँ बिका 1995 रुपये। बात करें नागौर की मंडी, मूंग बिके 7000, गंवार बिका 6400 रुपये, जवार बिकी है 2000, तिल का भावरा 9500, मोट बिके 6200, जीरा बिका 14000, सूंप का भावरा 6500, इसबगुल का भावरा 12000। गस्सीपुर मंडी में गंवार बिका 6561, मूंग बिके 6572, चना बिका 4731 और नरमा का भावरा 8922 रुपये। राशि नगर अनाज मंडी की बात करें, तो सरसों बिके 7491 और चना बिका 4700, मूंग बिके 6400 रुपये, नरमा बिका 8780, गंवार बिका 7070 रुपये। राशि नगर अनाज मंडी में गंवार में जबरदस्त तेजी का रुझान देखने को मिला है। गोलवाला मंडी में गंवार बिका 6902, वैतिल का भावरा 9000, सरसों बिके 7381, चना बिका 4695 रुपये। साथ ही बात करें संगरिया मंडी, तो आज नरमा का भावरा 8821 रुपये, हनुमानगढ़ मंडी में नरमा का भावरा 8859 रुपये और कपास का भावरा 7650। बात करें सूरतगढ़ की मंडी, तो नरमा का भावरा 8855 और गेहूँ बिका है 1905, मूंग का भावरा 6400 रुपये और गंवार बिका है 6650। बात कर लेते हैं किसान भैया हम मेरता मंडी, तो आपको पहले भाव बता चुके हैं मेरता मंडी की। तो जोधपुर मंडी की बात करें, तो किसान भैया सरसों बिकी है जोधपुर की मंडी में 6650, तिल बिके 9500 और मूंग का भावरा किसान भैया 6800 रुपये, अरंडी का भावरा 6200, इसबगुल का भावरा 13100 और जीरा बिका 15000, गंवार बिका 6290 रुपये प्रति क्विंटल। यही थे आज राजस्थान की अनाज मंडियों के ताज़ा भाव। हाल फिलहाल के लिए चैनल पर नए हैं तो ज़रूर इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि आपको राजस्थान के अनाज मंडियों के ताज़ा भाव के बारे में रोजाना जानकारी मिल सके। धन्यवाद।